हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये है पत्ता गोभी एंड फिश हेड के एक अनोखा कॉम्बिनेशन। ये आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए। इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मैं आपको कुकिंग प्रोसेस वीडियो में दिखा रही हूँ। आपको चाहिए रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, एंड ऑयल। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है क्योंकि ये फिश हेड्स को मैरिनेट करने के लिए बाद में और भी ऑयल चाहिए। मैंने 400 ग्राम फिश हेड लिए हैं। अब मैं 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून रेड चिली एंड 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर एंड 1 टेबल स्पून ऑयल। फिर मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करूँगी। फिश हेड को मैं पहले से धो के रखी थी, ये मैरिनेट हो गया। अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए अलग से रख दूंगी। अब एक फ्राइंग पैन को गरम करके इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड कर दूंगी क्योंकि बहुत सारी फिश हेड्स हैं और इसको फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है। तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं बहुत ही केयरफुली फिश हेड का जो पीस है वो एक एक करके ऐड कर दूंगी। मैंने एक एक करके ऐड कर दिया। ये कैबेज की सब्जी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसका दाल बना के भी खा सकते हो, इसका भी कड़ी होता है। मैं सब रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी एक एक करके। ये फ्राई हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से फ्लिप कर गया तो इसका मतलब है कि ये फ्राई हो चुका है। ये बिल्कुल बन गया। मैं एक अलग से बाउल में इसको रख दिया। ये मैं बाद में कैबेज के साथ ऐड करूंगी। अब कैबेज की सब्जी बनाने के लिए जो जो चाहिए, जीरा पाउडर, ऑयल, आलू, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चिलीज एंड सॉल्ट। और ये तेल में डालने के लिए चाहिए तेजपत्ता, रेड चिली एंड जीरा। मैंने कैबेज को फाइनली चॉप करके रखी हूँ और इसको धो के यहाँ पर रख दिया मैंने। फिर मैं अगेन एक दूसरा कढ़ाई ले लूँगी और इसमें मैंने तेल ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया। फिर ऑयल को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ मैं। ये आलू को फ्राई करने के लिए मैं आलू को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप चाहो तो आलू ऐड भी कर सकते हो या ना भी ऐड कर सकते हो। मुझे आलू दे के खाना अच्छा लगता है। फिर मैं अच्छे से फ्राई कर लिया। जब ये ब्राउन कलर हो जाएगा तब मैं इसको दूसरे प्लेट में डाल दूँगी। मैंने इसको अलग से रख दिया। अब मैं कढ़ाई में और थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी। फिर इसको थोड़ा गर्म होने दूंगी। फिर मैं ये दे दूंगी जो तेजपत्ता, ड्राई चिली एंड जीरा।
फिर इसको अच्छे से तेल में फ्राई होने देंगे। देन मैं कैबेज जो मैं पहले से धो के और कट के रखी थी वो मैं ऐड कर दूंगी तेल में। जितना कैबेज आप देख रहे हो सब्जी बनने के बाद इतना कैबेज ही नहीं रहेगा, तो इस हिसाब से हमको मसाला सब देना है, क्योंकि कैबेज जब हम पकाते हैं दिखने में बहुत ही ज़्यादा लगता है लेकिन बाद में ये बहुत कम होता है। अब मैं इसको 2 मिनट्स के लिए कवर कर दूंगी। आफ्टर 2 मिनट्स मैं यहाँ पर सारे मसाला ऐड कर दूंगी। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट दिया, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 चिलीज, 1 आलू भी मैं अभी ऐड कर दूंगी। फिर जीरा पाउडर भी ले दिया मैंने, 1 टीस्पून जीरा पाउडर मैंने ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मैं इसको मिला रही हूँ। अब मैं 6 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में इसको मैं कवर कर दूंगी, और जब मैं 6 मिनट्स बाद कवर को हटाया तब देखो ये बहुत पानी छोड़ दिया और मैं इसके साथ शुगर भी ऐड कर दिया। ये शुगर ऑप्शनल है, देने से अच्छा लगता है खाने में। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये पानी मैंने ऐड नहीं किया, ये कवर करने की वजह से हुआ है। फिर मैं इसको 2 मिनट्स के लिए फिर कवर कर दूंगी और अनकवर करके मैं देखती हूँ कि हो ही चुका है। अब बीच बीच में इसको चेक करते रहना कि ये नीचे से जल ना जाए। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, देन मैं 8 पीसेस को ऐड कर दूंगी और इसके साथ भी मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। फिर मैं इसको 3 मिनट्स के लिए कवर कर दूंगी। ये जो कैबेज है ये बहुत ही फ्रेश है इसलिए खुद से ही पानी छोड़ा। अगर कैबेज फ्रेश नहीं होता है तो आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। अब मैं गरम मसाला पाउडर को ऐड करूंगी, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा इसलिए मैं इसको एंड में दे दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। मैंने इसको बहुत अच्छे से मिला दिया, अच्छा फ्लेवर आ रहा है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी ऊपर से दे दूंगी, इससे फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। सो फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसको घर पर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये अब मैं एक सर्विंग बोल में रख दिया, ये राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, अब जरूर घर पर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।